हेलो बच्चों नमस्कार बच्चों जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में टॉपिक पढ़ा और प्यारे बच्चों वो टॉपिक इतने बढ़िया थे कि कई बच्चों का रिस्पांस आया कि हाँ जी सर बड़ा मजा आ रहा है इस टॉपिक में तो बच्चों आज भी हम लोग फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ठीक है लेकिन बच्चों क्या है कि इसमें हमें कुछ ऐसे काम करके दिखाने हैं कुछ ऐसे काम करके दिखाने हैं जो रिलेशन से थोड़ा सा डिफर होगा जो रिलेशन से थोड़ा सा डिफर होगा और वही आज हम करने जा रहे हैं अगर किसी बच्चे का रिलेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे वो नेक्स्ट क्लास तक सेंड कर दे क्योंकि आज मैं फंक्शन खत्म करा दूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस बच्चे को फंक्शन और रिलेशन दोनों के डाउट इकट्ठे ले सकूं तो जिस बच्चे का भी कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर मेरे को अपना डाउट भेज दें नेक्स्ट क्लास तक ठीक है तो आज मैं फंक्शन शुरू कर रहा हूं तो आखिरकार देखिए कि function क्या चीज होती है ठीक है फंक्शन क्या चीज होती है जरा आप ये चीज देखिए क्योंकि ये रिलेट थोड़ा बहुत रिलेशन से करता है लेकिन इससे थोड़ा सा डिफर है वो क्या डिफर है आइए सीखते हैं तो बच्चों देखेंगे कि आखिरकार फंक्शन फंक्शन में हमें क्या काम करना है तो बच्चों आप लोगों ने रिलेशन में क्या सीखा था मुझे बस इतना बताइए आप लोगों ने रिलेशन में सीखा था कि भाई अगर ये कोई एक सेट ए है और ये कोई सेट बी है इसमें वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है तो अगर ए टू बी रिलेशन चल रहा है तो ये प्री इमेज होगा और ये आपका इमेज होगा हमने यही सीखा था बच्चों जैसे वन को बी से रिलेट कराया बी को ए से थ्री को डी से और हमने किसी को रिलेट नहीं कराया तो मैं हमने यही सीखा था कि भाई ए टू बी जो वर्जी रिलेट कर रहा है या सी को भी हमने थ्री को सी से रिलेट करा दिया तो मतलब क्या कि हम भाई रिलेशन के अंदर एक प्री इमेज के कितने भी इमेज बना सकते हैं हमने रिलेशन में ये सीखा था कि एक प्री इमेज के हम जितने मर्जी इमेज बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो इस तरीके से सीखा और जिनका रिलेशन होगा प्री इमेज में उसे डोमेन कहेंगे जिनका इमेज में रिलेशन होगा उसे रेंज कहेंगे और चाहे और इमेज के अंदर चाहे रिलेशन हो चाहे रिलेशन ना हो उसे हम को डोमेन कहेंगे ये बातें हमने सीखी थी ठीक है अच्छा अब हम करने जा रहे हैं फंक्शन तो बच्चों फंक्शन में क्या है फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है पहली बात इनके रिलेशन जो होते हैं वो इनसे बिलोंग कर भी जाते हैं और नहीं भी कर जाते हैं मतलब है, वो इससे बिलोंग भी करते हैं बिलोंग नहीं भी करते हैं जैसे बिलोंग कौन नहीं करते हैं अभी देखो बताता हूं इसके कुछ पहले मैं आपको ना सारे मेन फीचर बता दूंगा ठीक है पहले मेरे को यहाँ पे कर दो, पहले ले पहले मुझे समझा लेने दो जैसे समझा दूंगा फिर आपको मैं इसके मेन फीचर्स लिखवाऊंगा कि हाँ भाई किन फीचर्स की वजह से आप फंक्शन को रिलेशन से अलग कर सकते हो ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए फंक्शन है सॉरी ए सेट है और आपके पास ये ये बी सेट है है ठीक आपने ले लिया वन टू थ्री फोर और आपने ये ले लिया ए बी सी डी ठीक है बच्चों तो देखो अब मैं आपको ना इसके फीचर्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और सारी बातें समझा दूंगा कि आखिरकार बच्चों क्या चीज है कैसे है अच्छा एक बात याद रखना हमेशा फंक्शन को लिखा जाता है f ऑफ x या f ऑफ y या f ऑफ z जो भी है। तो f ऑफ x का मतलब है कि वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x का मतलब ये है कि वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे क्योंकि जब आप f ऑफ x निकालते हैं तो इसका मतलब आपने x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट की है जैसे मान लीजिए आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस टू और कह रहा है पुट एक्स इज इक्वल टू टू तो जब आप एक्स टू पुट करेंगे तो ऑब्वियस बात है फोर जो आया वो किसके लिए आया एफ ऑफ टू के लिए और ये ऑफ किसकी वैल्यू होगी वाई की क्यों क्योंकि X की वैल्यू पुट करके एक्स तो निकाल नहीं सकते ऑब्वियस सी बात है कुछ अलग निकालेंगे इसी तरह ऑफ क्या होगा X होगा तो ये फंक्शन तो आप सबसे पहले समझिए कि बच्चों पहला पॉइंट ये मैं मान के चलूंगा कि जो एक्स है वो इससे बिलोंग कर रहा होगा और वाई कहीं ना कहीं इससे बिलोंग कर रहा होगा ठीक है और अब अगली बात अगर मैं मानू कि हाँ भाई प्री इमेज और इमेज की बात मानू तो देखो ये याद रखना ये आपका प्री इमेज है और ये आपका इमेज है ए टू बी फंक्शन चल रहा है कहां चल रहा है ए से बी की तरफ फंक्शन चल रहा है मतलब रिलेशन जो चल रहा है वो ए से बी लेकिन हम जो रिलेशन कर रहे हैं वो क्या शो करने के लिए कर रहे हैं हम रिलेशन फंक्शन शो करने के लिए कर रहे हैं ध्यान से सुनना भाई हम लोग रिलेशन फंक्शन शो करने के लिए कर रहे हैं तो याद रखना इसकी एक खास बात होती है कि जिस तरह रिलेशन में एक प्री इमेज के कितने भी इमेज हो सकते हैं लेकिन फंक्शन में उल्टा होता है फंक्शन में उल्टा होता है जब हम लोग फंक्शन के अंदर रिलेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो हिसाब किताब होता है वो उल्टा हो जाता है क्या हो जाता है कि भाई एक प्री इमेज एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता लेकिन एक इमेज एक से ज्यादा प्री इमेज रख सकता है मीन्स अगर मैं वन को ए से करा दूं तो वन को बी से नहीं करा सकता ठीक है ये फंक्शन नहीं होगा हाँ ये रिलेशन होगा लेकिन अगर जैसे ये बोला मैंने क्या भाई वन को ए से और फिर टू को भी ए से करा दूं तो ये पॉसिबल है भाई ये पॉसिबल है क्यों क्योंकि फंक्शन के अंदर एक इमेज के दो प्री इमेज हो सकते हैं या दो से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं लेकिन एक प्री इमेज के दो या दो से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकते किसके केस में फंक्शन के केस में ठीक है हम इसको ऐसे ले सकते हैं ठीक है हम इसको ऐसे ले सकते हैं इस तरीके से मैं इसको ऐसे ले सकता हूं लेकिन अब देखो लेकिन देखो अब क्या हुआ अब यहां पे ये भी फंक्शन नहीं है क्यों क्योंकि देखो C इससे भी है A इससे भी है मतलब क्या हुआ हमने क्या देखा कि भाई देखो C के दो प्री इमेज हैं कौन दो और चार चलेगा ए के दो प्री इमेज है एक और दो चलेगा लेकिन अब ये फंक्शन नहीं है किसकी वजह से क्योंकि दो के ए और सी दो इमेज है जबकि मैंने क्या बताया फंक्शन के अंदर एक प्री इमेज के एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब अब ये फंक्शन नहीं है लेकिन जैसे ही मैं सी के पास से ये हटाऊंगा या ए के पास से हटाऊंगा तो ये फंक्शन बन जाएगा क्यों क्योंकि अब देखो किसी भी प्री इमेज के पास देख लो किसी भी प्री इमेज के पास किसी भी प्री इमेज के पास दो इमेज नहीं है किसी भी प्री इमेज के पास दो इमेज नहीं है लेकिन इमेज के पास दो प्री इमेज या दो से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं तो बच्चों ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, ठीक है ठेके? और इनका जो डोमेन और जो रेंज होता है वो सेम तरीके से ही निकलता है जैसे अब तक हम सीखते आए हैं कि भाई ये आपका डोमेन हो गया आपका रेंज हो गया और कोडोमेन आपको पता ही है कौन होता है हो, ना हो। ना तो इसी को हम क्या बोलते Function. इसी को को हम हम लोग लोग क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं? बच्चों? अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा फंक्शन में ए सेट और ये बी सेट ये वन टू थ्री फोर ठीक है ये ए टू बी इस तरीके से मान लो इसको इससे रिलेट करा दिया इसको इससे रिलेट करा दिया Osionfish. इसको इससे रिलेट करा दिया अब देखो आपने क्या देखा सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन एक वजह से नहीं है क्यों क्योंकि जब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन होता है तो वो फंक्शन नहीं होते वो फंक्शन नहीं होते सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से कभी भी रिलेशन अगर होगा किसके अंदर फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन कभी भी नहीं होगा हाँ रिलेशन देखो प्योरली रिलेशन एक अलग चीज है लेकिन फंक्शन के अंदर रिलेशन करना वो एक बहुत अलग चीज है ठीक है तो वो कैसी अलग चीज है वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई कभी भी एक प्री इमेज के एक से ज्यादा इमेज नहीं होने चाहिए ठीक है सेम कंटेंट नहीं होने चाहिए ठीक है और क्या भाई कि यहां पे फंक्शन को भाई एफ ओफ आई और एफ ओफ एक्स इन दोनों को मेजर करने के लिए निकाला जाता है तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पे समझा दी जल्दी से नोट कीजिए फिर इसके मेन फीचर्स लिखवाता हूं फिर हम आगे बात करते हैं जल्दी से करिए फिर मैं इसके मेन फीचर्स लिखवाता हूँ आपको चलो नोट कर लिया होगा आपने उन्हें ठीक है लिखिए लिखिए मेन फीचर्स ऑफ अ फंक्शन मेन फीचर्स ऑफ अ फंक्शन ताकि आप लोगों हमेशा ध्यान रहे कि क्या पढ़ाया गया मेन फीचर्स ऑफ अ फंक्शन अब लिखेंगे लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई फ्रॉम एक्स टू वाई पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए टू एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स टू एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स ऐसे लिखना या एक काम करो x की जगह a कर देना ज्यादा समझ में आएगा x बिलोंग टू a x बिलोंग टू a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b y बिलोंग्स टू b देख रहे हो ना अपने आप में एक एक एग्जिस्टेंस रख रहा है ये और ये अपने आप में एक एग्जिस्टेंस रख रहा है एक्स एलिमेंट ए से और वाई एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है ठीक है अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो लिखेंगे सच दैट सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका फीचर नंबर फर्स्ट अब आता है फीचर नंबर सेकंड, फीचर नंबर सेकंड, लिखो जरा नो एलिमेंट ऑफ एक्स नो एलिमेंट ऑफ एक्स एक्स सॉरी गलत बोल दिया नो एलिमेंट ऑफ ए नो एलिमेंट एन ओ ठीक है नो एलिमेंट ऑफ ए कैन हैव मोर देन वन इमेज कैन कैन हैव मोर देन वन इमेज इन बी कैन कैन हैव मोर देन वन इमेज इन बी मतलब क्या कि इसका एक से ज्यादा इमेज इस तरफ नहीं हो सकता ठीक है यह स्टार पॉइंट है आपका चलिए तीसरा थर्ड थर्ड फीचर देयर में बी एलिमेंट ऑफ बी देयर मे बी एलिमेंट ऑफ बी देयर में बी एलिमेंट ऑफ बी which are not associated with which are not associated with any element of x any element of a sorry 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 any element of a there may be element of y which uh, uh, there may be element of b there may be element of b विच आर नॉट एसोसिएटेड विद विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ ए एनी एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेम नहीं होने चाहिए सेम नहीं होने चाहिए फोर्थ पॉइंट लिखेंगे डिस्टिंक एलिमेंट ऑफ ए डिस्टिंक एलिमेंट ऑफ ए मे हैव सेम इमेजिस इन वाई सेम इमेजिस इन बी मतलब क्या डिस्टिंग एलिमेंट डिस्टिंक एलिमेंट ऑफ ए में हैव सेम इमेजिस ऑफ वाई सॉरी ऑफ बी सेम इमेज ऑफ बी मतलब देख रहे हो दो डिस्टिंक एलिमेंट है प्री इमेज में दो डिस्टिंक एलिमेंट है लेकिन दोनों के इमेज क्या है सेम तो यह फंक्शन होता है ठीक है डिस्टिंग एलिमेंट ऑफ ए मे हैव सेम इमेजेस इन बी इन बी चलिए लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट लिखेंगे फंक्शन एफ इज डिटरमाइंड वैन फंक्शन एफ इज डिटरमाइंड वैन फंक्शन एफ इज डिटरमाइंड वैन एफ ऑफ एक्स इज नॉन फोर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज नॉन फॉर ऑल इज नॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू ए बच्चो तो ये फीचर होते हैं फंक्शन के ये फीचर किसके होते हैं बच्चों? ये फीचर फंक्शन के फीचर होते हैं तो बच्चों जल्दी से इसे नोट करो ठीक है फिर मैं आप लोगों को

तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बता रहा था देखो प्यारे बच्चों ये एनसीआर एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है कि आपको ना एफ ऑफ एक्स दिया गया है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कह रहा है जो ए है ना वो जीरो से बड़ा है ए जो है जीरो से बड़ा है तो कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन चलो हम नाउ आपको यह चीज गिवन है ठीक है नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए है और उसमें पहले ही बोल दिया है कि बच्चों जो ए है ना वो ग्रेटर देन क्या है जीरो है जो ए है वो बच्चों क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो आप बताइए कि इसका डोमेन क्या है आप बताइए कि इसका डोमेन क्या है इन क्वेश्चनों के अंदर एक ना रटा रटाया वो है सेंटेंस जो हर जगह चिपकाने है चिपकाना आपको ठीक है बाकी क्वेश्चन समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ठीक है लिखने वाली बात हर किसी में ऑलमोस्ट सेम होगी तो क्या लिखेंगे फोर डी एफ डी एफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन फोर डी एफ डोमेन ऑफ फंक्शन ठीक है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी मस्ट बी आ रियल नंबर आ रियल नंबर याद रखना बच्चों कोई भी डोमेन हो या कोई भी रेंज हो वो ऑलवेज बच्चों एक रियल नंबर होता है ऑलवेज क्या होता है एक रियल नंबर होता है ठीक है अच्छा तो इसी रियल नंबर को हमें यहां पे रिप्रेजेंट करना है और डोमेन दिखाना है क्या दिखाना है हमें हमें डोमेन दिखाना है तो किस प्रकार से हम लोग बच्चों डोमेन दिखा सकते हैं सो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मस्ट बी रियल मस्ट बी रियल क्यों बच्चों? मस्ट बी रियल नंबर ठीक है वो क्यों होना चाहिए क्योंकि देखो अगर मुझे डोमेन डोमेन इस फंक्शन का रियल नंबर चाहिए तो ये खुद रियल होना चाहिए पहली बात सही बात है अगर मुझे किसी का डोमेन रियल चाहिए तो फंक्शन खुद रियल होना चाहिए तो लोजी ठीक है रियल मैं इसके अंदर वाले पार्ट को उठा लेता हूं नाउ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो मैंने ये क्या किया बच्चों ये मैंने खुद अपने से यानी कि यहां पे उठा लिया अच्छा अब एक काम करो क्या काम करो माइनस कॉमन लो तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है अच्छा अब ये मस्ट बी रियल रियल में ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो भी तो होगा क्यों होगा क्योंकि बच्चों जीरो भी एक रियल नंबर है और भाई जब जीरो भी एक रियल नंबर है तो उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है ठीक है अच्छा अब तुम कहोगे कि सर ये जीरो से छोटा होगा तब भी तो रियल नंबर ही होगा आपकी बात बिल्कुल सही है हंड्रेड परसेंट अगर जीरो से छोटा होगा तो भी तो रियल नंबर होगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर इसकी वैल्यू जीरो से छोटी आ गई तो सोचो ये तो किसके अंदर है रूट के अंदर है मान लो इसकी वैल्यू माइनस टू आ गई तो रूट के अंदर माइनस का नंबर क्या होता है रियल नहीं होता है इसलिए इसकी वैल्यू रियल बनाने के लिए अंदर वाले की वैल्यू जीरो से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए जीरो से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए तो मैंने बच्चों यहाँ पे ना माइनस कॉमन ले लिया अब ये माइनस उठा के वहां भेजूंगा मैं तो जैसे ही माइनस उठा के यहाँ भेजूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये जो एरो इस तरफ है ना वो एरो इस तरफ घूम जाएगा ऐसा क्यों होगा ये सारी बातें मैं आपको सिक्स चैप्टर के लीनियर लीनियरिटी में बताऊंगा बस अभी फिलहाल इतना याद रखो कि जो इसका माइनस है जब वो इन है ना इक्वालिटी कहते हैं क्या कहते हैं इन इक्वालिटीज जब ये इन के उस तरफ जाता है तो ये अपना साइन चेंज कर देता है अगर इस तरफ है तो उधर हो जाएगा और उस तरफ है तो इधर हो जाएगा ठीक है तो ये ऐसे हो गया अब ये क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है तो क्या मैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं जल्दी बताओ लिख सकता हूं ना अब इसको लिखने का क्या मतलब है इसको लिखने का क्या मतलब है तो जब इसको हमने लिख दिया तो इससे होगा क्या अब जरा ध्यान से सुनना इसको अगर मैं लिख देता हूं तो इससे मुझे क्या पता चलेगा तो जरा ध्यान से देखो बच्चों इससे ये पता चलेगा एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे ठीक है एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे ठीक और एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनना एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे और एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखो ये माइनस का ए उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का ए और ये प्लस का ए उधर जाके क्या बन जाएगा भाई माइनस का ए मतलब क्या हुआ ए, ए, ए एक्स से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए और यहां पे क्या दिखा रहा है कि माइनस ये यानी माइनस का ए, से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए ऐसा कभी हो सकता है बच्चों ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता याद रखना हमेशा एक वैल्यू हमेशा छोटी बनेगी और एक वैल्यू हमेशा बड़ी बनेगी किसके केस में फंक्शन के केस में कैसे तो बच्चों अब देखो जो माइनस हो रहा है जो माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जरूर यहां पे की वैल्यू क्या होगी बड़ी वैल्यू होगी तभी तभी ये माइनस माइनस हो रहा है क्यों क्योंकि करेगा तभी तो वैल्यू किससे छोटी आएगी किससे बड़ी आएगी जी, ये जीरो से छोटी आएगी और यहां पे प्लस होने के बाद जीरो से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा जब हम इस तरह की वैल्यू रखते हैं तो हमेशा माइनस वाली वैल्यू क्या जाती है माइनस वाली वैल्यू क्या जाती है छोटी और प्लस वाली वैल्यू अपने आप में क्या हो जाती है बड़ी तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों माइनस वाली डिजिट वहां जाके क्या हो जाएगी प्लस की और प्लस वाली डिजिट वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस की अब इसको और इसको आप लोग जब एक बना के रखेंगे तो आप क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो माइनस ए से बड़ी और उसके बराबर जबकि ए से छोटी और उसके बराबर तो याद रखना बच्चों हमेशा फंक्शन के केस में जब भी आपके पास एक माइनस की वैल्यू और एक प्लस की वैल्यू आ जाए तो हमेशा डोमेन ऐसे निकलता है कि माइनस वाली वैल्यू से बड़ी और प्लस वाली वैल्यू से छोटी तो हमेशा डोमेन को निकालने के लिए माइनस वाली वैल्यू से बड़े नंबर लेते हैं जबकि प्लस वाली वैल्यू से छोटा नंबर लेते हैं सुनाओ डोमेन डोमेन के लिए आपको क्या लेना है डोमेन के लिए देखो यहां पे नीचे देख रहे हो इंटरवल कैसा है बराबर वाला है तो माइनस ए से, ए तक, तो, इस तरीके से आंसर लगाते हैं। तो ये है इसका डोमेन ठीक है अभी मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही होगी लेकिन टेंशन मत लो अभी दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी बातें क्लियर होंगी ठीक है इसको नोट करो फटाफट फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं नोट करो जल्दी से अभी दो चार क्वेश्चन और कराता हूं आ, अब ये देखना ये क्वेश्चन अच्छा है और ये सब पता है किस लिए, गया? ये रियल बनाने के लिए किया गया है। ये सारी चीजें की गई हैं? रियल बनाने के लिए हमेशा रियल बनाने के लिए एक केस प्लस में और एक केस माइनस में लेना ही पड़ता है ठीक है जल्दी करो हाँ जी बच्चों तो चलिए देखते हैं शुरू करते हैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि जी और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है एनसीआर टी का ही क्वेश्चन है ये दिया हुआ है ठीक है और आपसे बोला है कि डोमेन भी निकालो डोमेन भी निकालो और रेंज भी निकालो बच्चों ये दोनों निकालना हमें डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है ठीक है कोई दिक्कत उत वाली बात नहीं है इसमें डोमेन भी निकालना है, रेंज निकालना बहुत ईजी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है हमें बस एक छोटा सा काम करना है क्या रटा रटाया पहले फोर डी एफ डीएफ मतलब क्या डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी रियल मस्ट बी आ रियल नंबर मतलब क्या अगर मुझे डोमेन निकालना है तो फंक्शन क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए यह बात हमें पहले ही बताया मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि डोमेन और रेंज तभी निकल सकता है जब आपके पास नंबर कैसा हो रियल हो रूट के अंदर नंबर रियल कब होगा जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा ठीक है चलो तो इसका मतलब अंडर रूट माइनस वन मस्ट बी रियल मस्ट बी रियल मतलब क्या कि ये जो पार्टी है ये रियल होनी चाहिए मतलब रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा अनरियल बन जाएगा इसलिए बच्चों हम लोग इसको नाउ x माइनस वन को क्या करेंगे जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर लेंगे क्या लेंगे जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर लेंगे क्यों लेंगे जीरो के बराबर क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है और रूट के अंदर पॉसिबल होती है उसकी वैल्यू ठीक है और जीरो से बड़ा क्यों लेंगे क्योंकि जीरो से बड़ा जैसे जैसे-जैसे जाते जाएंगे सारे नंबर रियल आएंगे। अच्छा, तो देखो यहां तो माइनस तो, मतलब, तो मुझे डोमेन जो मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा चाहे तो चेक करके देख लो देखो वन के बराबर नहीं आया रियल नंबर वन से बड़ा कुछ पुट करो टू टू माइनस वन वन अंडर रूट वन क्या होता है वन ही होता है अब थ्री रखो थ्री माइनस वन टू रूट टू क्या होता है रियल नंबर होता है दस रख के देखो दस माइनस एक नौ क्या होता है अंडर रूट नाइन क्या होता है थ्री रियल नंबर है हम क्या रख के देख लेते हैं हम मान के रख ले लेते हैं भाई हम मान लो नाइनटी नाइन रख लेते हैं नाइनटी नाइन तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे अंडर रूट नाइन माइनस वन तो कितना हो गया नाइनटी एट अंडर रूट नाइनटी एट तो नाइनटी एट भी बच्चों कुछ ना कुछ जरूर होगा 98 कुछ ना कुछ जरूर होगा उसका फैक्टर करेंगे और वैसे भी अंडर रूट मैंने क्या बताया रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर रियल ही होता है तो इसका मतलब सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज क्या आया बच्चों हां जी से बड़ा और उसके बराबर तो बच्चों देखो बराबर है तो बड़ा एक्स जो है वो वन से बड़ा है तो बड़ा कहां तक जा सकता है एक से गिनती गाना शुरू कर दो कभी खत्म होगी नहीं तो कहां तक जाएगी गिनती इंफिनिटी तक तो यही और यहां पे देखो अब इन्फिनिटी के लिए कोई ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे समझ में आ गई बात तो यहां पे ये होता है डोमेन ऑफ फंक्शन अच्छा ये वाले ब्रैकेट कैसे लगाए जाते हैं ये सब मैं आपको सिक्स चैप्टर में बताऊंगा तसल्ली से बेफिक्र रहो लेकिन अभी मैं इतना बता दू यहां बराबर लगाया इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाया हमने और यहां पर इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं है इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया ओपन ब्रैकेट ठीक अब इसी का क्या निकालना है नाव अब इसी का हमें क्या निकालना है अब इसी का हमें निकालना है रेंज क्या निकालना है रेंज तो निकालिए क्या निकालेंगे फोर नाउ फोर आर एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन फंक्शन मस्ट बी यानी एफ ऑफ एक्स ठीक है यानी क्या बच्चों यानी हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन मस्ट बी रियल फंक्शन अब की बार यहां पे ये यह नहीं लिखेंगे फंक्शन मस्ट बी रियल फंक्शन मस्ट बी रियल अच्छा चलिए आगे देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे लेट करो क्या लेट करो देखो मैंने एक बात आपको बताई थी एक काम करो नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन यही थी ना हमने अब देखो क्या मैं लेट कर सकता हूं इस चीज को कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो y होता है क्या मैं इस चीज को एफ ऑफ एक्स को लेट कर सकता हूं कि ये y होता है बिल्कुल होता है और y इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट इस तरीके से ठीक है नाउ अब आप एक यहां पर काम करो अब आप यहां पर क्या करो एक काम करो क्या काम करो भाई कि हमें यहाँ पर ना हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर क्या निकालनी है भाई बच्चों वैल्यू निकालनी है किस प्रकार की वैल्यू निकालनी है कि हम किसी भी तरीके से y की वैल्यू को यहाँ पे सरवाइव कर जाएं तो ये y की वैल्यू को कैसे सरवाइव कर सकते हैं तो देखो ये y के बराबर है ये y के बराबर है और रियल नंबर होने के लिए रियल नंबर होने के लिए इस पूरे को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा रियल नंबर होने के लिए इस पूरे को क्या होना पड़ेगा बच्चों जीरो से बड़ा होना पड़ेगा या जीरो के बराबर होना पड़ेगा अच्छा जब जीरो के बराबर होना पड़ेगा तो हमें क्या देखा हमने ये देखा बच्चों कि जीरो के बराबर अगर हमें पहुंचना है अगर हमें जीरो के बराबर पहुंचना है तो यहां पे वैल्यू वन होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए या वन से बड़ी होनी चाहिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये तो हमारा क्या निकला डोमेन निकला ये तो हमारा क्या निकला डोमेन लेकिन रेंज के अंदर हमने देखा कि रेंज में क्योंकि हम लोग याद रखना भाई डोमेन के अंदर एक्स की वैल्यू निकालते हैं और रेंज के अंदर वाई की वैल्यू निकालते हैं रेंज के अंदर किसकी वैल्यू निकालते हैं वाई तो इस वाई की जगह पे मैंने ये पूरा का पूरा पुट कर दिया चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो नाउ भाई y बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए जीरो के तो y के बराबर कौन है अंडर रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो लीजिए नाउ रेंज इज रेंज इज रेंज क्या आ गया भाई रेंज क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा और उसके बराबर जीरो के बराबर ठीक है और बड़ा भाई जीरो से बड़ा कहां तक जा सकता है इन्फिनिटी तक जा सकता है तो बच्चों आपकी जो रेंज आई वो क्या आई जीरो से इन्फिनिटी और जो डोमेन आई वो क्या आई वन से इन्फिनिटी तो इस तरीके से निकालते हैं बच्चों ठीक है इस तरीके से निकालते हैं अब बाकी आप जैसे मर्जी कर लीजिए आप पुट करके भी कर सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन रूट को उठाकर बन जाएगा माइनस वन को उठा के इधर ले आओ प्लस बन जाएगा आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो चलो मैं एक काम करता हूं इसको ना रेंज का सेकंड सेकंड मेथड रेंज का सेकंड मेथड भी सॉल्व करके दिखा देता हूं ठीक है रेंज वाले के लिए करके दिखा रहा हूं सिर्फ मैं ठीक है जैसे यहां पे लिखो फोर आर एफ एफ real, 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 मस्ट बी रियल मस्ट बी रियल मस्ट बी रियल ठीक है फंक्शन मस्ट बी रियल ठीक है अगर फंक्शन रियल है अगर फंक्शन रियल है तो भाई इसका मतलब क्या होगा हम पहले लेट करते हैं क्या लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है वाई के बराबर है और वाई ये है वाई ये है नाउ जब वाई इसके बराबर है तो अंडर रूट इसके ऊपर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर यहां बच्चा एक्स माइनस वन माइनस वन यहां क्या बन जाएगा प्लस तो बच्चों की वैल्यू क्या आ गई एक्स की वैल्यू आ गई स्क्स वन वाइर प्लस वन अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों मैंने क्या बताया था यहां पे आप कंडीशन देख रहे हैं यहां पे आप कंडीशन देख रहे हैं कि भाई ये मस्ट बी रियल होना चाहिए तो मैं यहां पे भी तो लिखूंगा सो वाई स्क्वायर प्लस वन मस्ट बी रियल मस्ट बी रियल किस चीज के लिए मस्ट बी रियल किस चीज के लिए रियल होना चाहिए रेंज के लिए किसके लिए रेंज के लिए तो चलो ठीक है और ये रियल कब होगा रियल तब होगा जब ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा ठीक है अच्छा अब हम यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि भाई हमारा कंडीशन बन जाए तो बस सिंपल बच्चों यहां पर अगर मैं क्या पुट कर देता भाई देखो प्लस का वन है उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का वन लेकिन यहाँ पे क्या है? या आप ले ना भी जाओ तब भी एक बात बता देता हूं यहां पे ऐसी क्या भी आ सके तो देखो यहां पर अगर मैं जीरो पुट करता हूं यहाँ पर अगर मैं क्या पुट करता हूं जीरो तो तब भी ये जीरो से बड़ी आएगी अगर मैं यहां पर अब तुम कहोगे सर माइनस वन पुट करके देख लो तो भाई माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा लेकिन मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि भाई वो क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए और रियल के अंदर हम कभी भी भाई डिजिट को नेगेटिव में लेके नहीं जाते जातेज में. में रेंज में कभी भी नेगेटिव डिजिट लेके नहीं जाते है. इस वजह से यहां पर आप क्या पुट करेंगे भाई जीरो पुट करेंगे जीरो पुट करके देख लो भाई वन आ रहा है वन पुट करेंगे टू आ जाएगा टू पुट करेंगे फाइव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ हमने देखा क्वल टू किससे बड़ा हाँ बताओ भाई जीरो से बड़ा यानी जीरो से बड़ा और उसके बराबर और कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक तो रेंज ऐसे आ गया अब चाहे तो आप ऐसे कर लो अब चाहे तो आप ऐसे कर लो कोई सभी तरीका कर जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए ये मुझे करके दिखाना ये क्वेश्चन करना ये क्वेश्चन करके दिखाना ठीक है ये क्वेश्चन करके दिखाना अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है अजीब है क्योंकि आपके लाइफ में आज तक ऐसा कुछ आया नहीं है ठीक है लेकिन अचानक से जब इसके साथ इन्वॉल्वमेंट होएगी, तो शुरुआत में दिक्कत आती है लेकिन बच्चों मैंने देखो एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करते हुए चला हूँ कि हाँ भाई डोमेन निकालना है इसको उठाया भाई ये रियल होना चाहिए तो अंदर वाली पार्टी भी रियल होनी चाहिए माइनस को वहां लेके गया तो मुझे दिख गया कि भाई वन से लेके इन्फिनिटी तक रेंज रेंज के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो इसलिए तो तो इस एक तरीका तो ये है या सेकंड तरीका कि पूरी वैल्यू निकाल लो पूरी वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर लो अब यहां पे वैल्यू पुट करके देखो क्योंकि नेगेटिव तो पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो जीरो देखा जी पुट हो गया देखा हाजी हो गया रहा है तो इसका मतलब जीरो से अगली क्लास में रेंज के टॉपिक को और ऊपर लेके चलेंगे अब ये चलेगा एक क्लास ठीक है एक दो क्लास चलेगा फिर ग्राफ पे चलेंगे ठीक है तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं इसे नोट कर लीजिएगा ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में